हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट क्लास में कुछ थ्योरी पार्ट देखा था, आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? उससे के बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो वो पॉइंट क्या है? मैट्रिक्स पॉलीनोमियल। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स है, किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है, तो मैं लिख लेता हूँ, इफ मैट्रिक्स कैपिटल ए, लेट से कैपिटल ए नाम दिया, सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल। अच्छा, अब मैं एन डिग्री का जनरल पॉलिनोमियल ले लेता हूं, तो लेट से मैंने पॉलिनोमियल ले लिया ए एन एक्स रेस टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर कोई मैट्रिक्स इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है, देन क्या करेंगे हम, एक्स की जगह ए डाल देंगे, प्लस एक छोटी सी चीज और है, वो क्या है देखना। पहले मैं इसकी जगह ए लिख देता हूँ, एक्स की जगह ए लिख देता हूँ, ए रेस टू पावर एन, जस्ट लाइक जैसे हम नंबर को रखते हैं, जैसे मैंने बोला एफ ऑफ टू क्या होगा, तो एक्स की जगह टू रखते हैं, उसी प्रकार मैंने बोला कि अगर मैट्रिक्स ए है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो हम क्या बोलेंगे, देन एफ ऑफ ए is equal to, let's say मैं इसको expression of x बोल रहा हूँ, function of x, तो ये हो गया a into x raised to power n plus a n minus 1 capital A raised to power n minus 1 plus and so on, इधर आया a1 a। अब देखना दो चीज main है इधर, देखो अभी तक तो ये क्या था, matrix नहीं था, ऊपर polynomial था, but अभी जो लिखा है it is something like a matrix only, ये मेरा matrix है, ये भी मेरा matrix है, तो अगर मैंने केवल इधर a not लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी, because a not तो एक number है, तो ऐसा तो नहीं, देखो ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी ए मैट्रिक्स, बट अगर मान लो मैंने इधर ए नॉट केवल ए नॉट लिखा तो वो एक नंबर होगा, नंबर को मैट्रिक्स से ऐड करेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, ए नॉट को हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है किसी कांस्टेंट को, तो क्या यूज करेंगे हम, किस चीज का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो आई राइट इट हियर ए नॉट इनटू आई। समझ में आया बच्चों, ए नॉट इनटू आई कैसे लिखा मैंने, अब ये करेक्ट फॉर्म है, क्योंकि जैसे मैं नहीं बोलता वेक्टर प्लस वेक्टर इट कैन नॉट बी स्केलर, उसी प्रकार इधर है मैट्रिक्स, और केवल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं ना, बट अगर ए नॉट अकेला लिखा होता तो काम नहीं होता हमारा। सिमिलरली इधर अभी ये तो मेरे एक जीरो रियल नंबर है, जीरो इज अ नंबर, बट अब मुझे इधर मैट्रिक्स लिखना है, तो आई शुड यूज नल मैट्रिक्स। क्या यूज करेंगे, नल मैट्रिक्स, और डिनोट कैसे करते हैं, बोल्ड जीरो से, जैसा कि पहले बताया। तो बस ये हो गया हमारा, अगर कोई मैट्रिक्स है किसी पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करती है, देन दिस इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, एक पहली बात तो जैसे कि उस दिन भी बताया था हालांकि मैंने, कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है, अगर हम उसको उसका कुछ पावर निकालना है, तो क्या होगा, जो ए होना चाहिए दैट विल बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिख लो इधर, ऐसे लिख लो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, लेट्स से मैंने a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n क्रॉस n ले लिया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर भी स्क्वायर लिख लो, विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। क्या बोला इसने, कि अगर मान लो मैंने a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर n है, तो a की कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकाल लो, तो लेट्स से मेरे को a स्क्वायर निकालना है, तो दिस विल बी a इनटू a, तो ये बोल रहा है कि इस चीज का भी जो ऑर्डर आएगा वो n आने वाला है, नॉट ओनली फॉर स्क्वायर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, लेट्स से मैंने बोला a क्यूब, तो a क्यूब को कैसे लिखेंगे, a इनटू a इनटू a, तो जो इसका ऑर्डर आने वाला है वो आएगा n, अगर मैट्रिक्स a का ऑर्डर n हुआ तो। क्लियर बच्चों, तो मैं तो अब खुद सोच सकते हो, इधर जैसे मैंने एक ए इफ मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द स्क्वायर लिख लूं, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द पॉलीनोमियल दिस, अब देख रहा हूं ऐड क्यों कर पा रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है एन एन माइनस वन, बट जो ए की पावर एन है, ए की पावर एन माइनस वन कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की, वो सारे क्या है, सेम ऑर्डर के होंगे इस स्टेटमेंट के हिसाब से, और जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, मान लो मैंने एक ही जगह ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, तो इधर भी आइडेंटिटी थ्री क्रॉस थ्री लेना पड़ेगा, बिकॉज तभी मैं इन दोनों को ऐड कर पाऊंगा ना, हेंस दिस विल बी ऑफ ऑर्डर एन। क्लियर हो बच्चों, ठीक है, इसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लस पहले आ भी चुके हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, मैट्रिक्स पॉलीनोमियल।
तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं एक इलस्ट्रेशन लिखता हूँ। हालांकि है सिंपल, इसका एप्लीकेशन क्या आएगा वही हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। बेसिकली ये यूज होता है, एक तो क्या मैंने जैसे बोला किसी मैट्रिक्स का हायर ऑर्डर हायर पावर निकालना, मतलब मान लो मैट्रिक्स ए दिया है मुझे, ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब, ए की पावर 5, इस टाइप से चीज निकालनी, तब इस चीज का यूज होगा। प्लस एक और किस चीज के लिए यूज होगा, इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन वन क्वेश्चन, तुम लोग खुद से भी एक बार ट्राई करना, उसके बाद यू जस्ट वॉच द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज, राइट डाउन, लेट ए इज इक्वल टू 2, 3, -1, 2 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 7 show that f of a is equal to null matrix and hence find a raised to power 5। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, also find a inverse भी निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो दिस इज द क्वेश्चन, एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। चलो तो क्या करें सॉल्यूशन के लिए, देखो उसने क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए इस पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है। अगर सेटिस्फाई करती है कोई चीज किसी इक्वेशन को कोई वैल्यू, तो क्या करते हैं हम, वो वैल्यू रख के जीरो को बराबर कर देते हैं। सेटिस्फाई करना मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना। तो मैंने बोला ए अगर इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो उसने बोला ये चीज प्रूव करो एफ ऑफ ए इज दिस। तो एफ ऑफ ए क्या होगा, पहली बात जैसे मैंने बताया था, क्या करेंगे हम, एक्स की जगह ए रख देंगे हर जगह, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर -4a+। अच्छा अब केवल 7 नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स है, 7 तो एक रियल नंबर है, तो क्या करूं मैट्रिक्स बनाने के लिए 7 into i। अब क्या करें हम, a दिया है तो a की a इधर रख देंगे, i तो रख ही देंगे, i विल बी ऑफ ऑर्डर 2x2 बिकॉज जो हमारा a मैट्रिक्स है वो ऑर्डर 2 का है, तो ए स्क्वायर भी 2x2 होगा, ये भी 2x2 होगा, तो i को भी 2x2 होना पड़ेगा, तभी हम ऐड कर पाएंगे। तो चलो पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो साइड में पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, तो जाएगा 2, 3, -1, 2 और 2, 3, -1, 2। देखना कैसे निकालते हैं, क्या बताया था, रो और कॉलम, तो पहले मैंने इसका एक रो पकड़ा, तो इसका ये फर्स्ट कॉलम, तो 2 into 2, 4, 3 into -1, -3, तो 4 - 3 = 1, फिर 2 into 3, 6 और 3 into 2, 6, तो 6 + 6 = 12, -2 or -2, -4, -1 into 3, -3 or 4, 1, क्लियर हुआ, दिस इज माय ए स्क्वायर। अब क्या करें, ए स्क्वायर ए और आई इधर रख देते हैं और देख लेते हैं नल मैट्रिक्स आ रहा है नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि शो दैट एफ ऑफ ए इज नल मैट्रिक्स, दिस इज नॉट सिंपल जीरो, दिस इज नल मैट्रिक्स, बिकॉज एफ ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स है। तो चलो रखते हैं इसके, तो 1 - 4 = 12, 1 माइनस 4 टाइम्स ए, ए हियर इज 2, 3, -1, 2 एंड प्लस 7, आई क्या लूंगा मैं 2x2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलता है, एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, तो दिस इज 1, 0, 0, 1। अब चलो क्या करें, इस 4 को पहले अंदर भेज देते हैं, तो मैं यही इसी स्टेप में भेज रहा हूँ, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप पे लिखना। तो 4 को इधर से भेजा, तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है जैसा कि हमने पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 3 = 12, 4 into -1 - 4, 4 to the 8, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो अब ऐड कर लेते हैं, उससे पहले क्या किया, 7 को भी अंदर लेके गए, तो 7 को मैंने अंदर लेके गया, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। अब मैं क्या करूं, मैट्रिक्स एडिशन में क्या बोला था मैंने कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, तो ठीक है इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं ऐड, उसके बाद इसका डिफरेंस ले लेंगे, नहीं तो एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, पहले मैंने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया, तो 1 + 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम विच इज हियर 8, 12 + 0 = 12, -4 + 0 - 4, 1 + 7 = 8, ठीक है, और ये वाला मैट्रिक्स मेरा -8, 12 - 4, 8। Now you can see, दोनों मैट्रिक्स एकदम सेम लिखी हुई है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे, ऐसे समझ लो, या फिर इस माइनस को अंदर लेके जाओ फिर ऐड कर दो, वन एंड द सेम थिंग, a माइनस बी इज सेम एज a प्लस ऑफ माइनस बी,
हम किसी चीज को किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ए माइनस बी। जब हम एक्चुअली सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तो क्या सीखते हैं, सीखते हैं ए माइनस बी इज नथिंग बट ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो वही चीज है, इसको या तो अंदर लेके जाओ फिर ऐड कर दो या फिर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो फाइनली व्हाट यू विल गेट, देखना 8 माइनस 8 0, 12 माइनस 12 0, माइनस 4 प्लस 4 0, 8 माइनस 8 0 है प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था हमें, दिस इज द नल मैट्रिक्स एफ ऑफ ए। समझ में आया, तो इसको कॉपी करो। अब हम इसी के दूसरे पार्ट को मूव करते हैं। कॉपी कर लेना इसको, आई एम रबिंग नाउ। अच्छा अरे ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आगे, चलो देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसमें वी हैव टू फाइंड ए रेज टू 5 एंड ए इनवर्स। सो लेट्स फर्स्ट फाइंड ए इनवर्स पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ए की पावर 5 पे बात करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अब देखना, उससे पहले क्या होगा, मैंने क्या किया, पहले एफ ऑफ ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो तो प्रूफ हो गया। तो उससे क्या आया, ए हमारा क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, देखना इंपॉर्टेंट स्टेप, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए इनवर्स से। प्री कर लो चाहे पोस्ट कर लो, वन एंड द सेम थिंग, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स। अच्छा, अब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के पहले एक्चुअली आई शुड वेरीफाई कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर नहीं कर रहा है तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, एक अनडिफाइंड नंबर से वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। तो डेट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू वेरीफाई कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब जैसे कल भी बताया था मैंने, ए इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है कि वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। क्या बोला मैंने, मैट्रिक्स का ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। दैट मीन्स द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका डिटरमिनेंट, तो 2 2 4 4 प्लस 3 7, तो डिटरमिनेंट तो जीरो नहीं है, इसलिए वी कैन मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स। क्लियर हुआ बच्चों? मैंने बोला ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के पहले हमें देखना पड़ेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो। तो दिख रहा है नॉन जीरो है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक पार्ट और इंटरेस्टिंग मुझे याद आया, देखो सुनना ध्यान से, इसके हम कंटिन्यू करते हैं एक मिनट में। देखो जैसे अभी तो मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो कैसे प्रूव किया, क्योंकि मुझको मैट्रिक्स दिया था, मुझको मैट्रिक्स दिया था ये, तो डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट इज 2 इंटू 2 4, 4 माइनस ऑफ माइनस 3 विल बी 7। बट एक मिनट के लिए मान लो तुम्हें ये ए मैट्रिक्स दिया ही नहीं होता, ए मैट्रिक्स दिया ही नहीं होता, केवल ये चीज दी होती, यहां से यहां तक का क्वेश्चन दिया होता फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, देन हाउ टू प्रूव कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, वो चीज बता रहा हूं मैं। क्या करो तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके सोचो, आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, देखना क्या किया इसको समझने के लिए, इस 7i को इधर ही रहने दिया 7i, और उन दोनों को उधर लेके गए, तो 4a माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया, a इंटू 4i माइनस a। देखो i जरूर लिखना इधर, कभी हम कांस्टेंट को ऐड और सबट्रैक्ट नहीं कर सकते मैट्रिक्स से। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, इधर मैंने लिखा है 7i। अच्छा, ये दोनों, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा। तो क्या किया, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लिया, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड। तो देखो इधर क्या आया, देखो टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड, तो इधर आया डिटरमिनेंट ऑफ 7i। तो 7i होता क्या बेसिकली, अगर मेरा ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो दिस इज 7 0 0 7, बेसिकली दिस इज 49। क्लियर है? देखो, अब मैं इधर वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं जो मैंने कल के लेक्चर में बोला था, और मैंने बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इधर क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स मेरी ये है, एक मेरी मैट्रिक्स ये है, तो इधर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ 4i माइनस ए। इंटरेस्टिंग पार्ट आने आ गया हमारा, देखना इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो क्या है बेसिकली, दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो क्वांटिटी। इसका मतलब क्या बोलूंगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया मैंने कैसे प्रूव किया डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एक तो डायरेक्टली इस मैट्रिक्स का यूज किया, एक इस पॉलिनोमियल का यूज किया कि पॉलिनोमियल दिस इज सेटिस्फाइड बाय द मैट्रिक्स। समझ में आया? ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने बोला ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारा, देखना ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, तो एक बार पूरा लिख लेते हैं ए इनवर्स, और ए स्क्वायर को ब्रेक करके लिख लेते हैं ए इंटू ए माइनस 4 टाइम्स
प्री कर रहा हूँ मैं, पहले कर रहा हूँ, फिर ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा प्लस सेवन इंटू ए इनवर्स इंटू आई। अब हम जो कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो लगाते हैं, याद है ए इनवर्स इंटू ए क्या पढ़ा था, आई, और आई इंटू ए कितना होता है ए, इधर से क्या है ए माइनस फोर, ए इनवर्स इंटू ए इज आई, फोर आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज ए इनवर्स, आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स आती है, तो ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, उसको अगर आई से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ही आएगा, तो प्लस सेवन, सॉरी प्लस सेवन टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू जीरो, तो यू कैन सी ए इनवर्स आ गया हमारा, क्या आया इस इन दोनों को उधर लेके जाओ, तो सेवन टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर आई माइनस ए, और फोर आई क्या होता है फोर जीरो जीरो फोर माइनस ए, माइनस ए इज टू थ्री माइनस वन टू, तो बस फाइनली इधर लिख लेता हूँ मैं, सेवन टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर माइनस टू इज टू, जीरो माइनस थ्री इज माइनस थ्री, जीरो माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन, फोर माइनस ऑफ टू इज टू, तो हमारा फाइनली ए इनवर्स क्या आ गया देखना, या तो इस सेवन को बाहर लेके जाओ या फिर इसके अंदर लेके जाओ, तो अंदर लेके जाओगे तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो जाएगा टू बाय सेवन माइनस थ्री बाय सेवन वन बाय सेवन एंड टू बाय सेवन, ठीक है। आगे चल के हम इनवर्स निकालने का एक मेथड भी देखेंगे, ठीक है, उस टाइम हम इसको और वेरीफाई कर लेंगे ए इनवर्स यही आ रहा है, ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने। चलो अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, दैट इज ए रेज टू पावर फाइव, तो बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, आई विल कंटिन्यू विद दैट पार्ट, तो इसको मैं चलो इसको यहाँ से रख कर, अब ए की पावर फाइव निकालना है, सुनना इसको भी निकालने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके पूरे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एक कर लेता हूँ दूसरे से तुम लोग वेरीफाई करना, एक्चुअली ये चीज़ हम ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में यूज़ किए हैं, अभी समझ में आएगा कहाँ, देखना मुझे क्या निकालना है। अच्छा इससे पहले कि एफ ऑफ ए जीरो है, तो पहले मेरे पास इक्वेशन तो रख लेता हूँ मैं अपने पास, ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू जीरो, तो इधर से ए स्क्वायर कितना आया फोर ए माइनस सेवन आई, क्लियर है। अच्छा अब जैसे याद है क्वाड्रेटिक में जैसे मैंने बताया था तुमको मुझे इस टाइप की चीज़ चाहिए, मान लो कि अल्फा रेस टू फाइव प्लस बीटा रेस टू फाइव काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, और मुझे एक क्वाड्रेटिक दे दिया जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो मैंने क्या बताया था उधर अल्फा का कितने भी डिग्री पॉलिनोमियल हो, अगर अगर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है और अल्फा, हाँ अल्फा की का कोई भी डिग्री पॉलिनोमियल निकाल है, तो लेट्स से बीटा हटा दो दो मिनट के लिए, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो अल्फा की पावर फोर प्लस अल्फा की पावर फोर प्लस टू अल्फा क्यूब, लेट्स से ये है और मुझे दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका रूट एक अल्फा है, अब याद आ जाएगा तुम्हें मैंने क्या बोला था कि अल्फा का कितना भी डिग्री पॉलिनोमियल हो उसको वी कैन राइट एज ए अल्फा प्लस बी, लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा यूजिंग द फैक्ट कि अल्फा इसका रूट है, तो इधर क्या करते हैं लेट्स से मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूँ, ए माइनस माइनस है तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा इसका रूट है तो क्या होगा अल्फा सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा स्क्वायर इज अल्फा प्लस वन, फिर क्या करते थे हम, फिर क्या करते थे हम, फिर हमारे पास दो तरीके थे, एक तरीका क्या है कि चलो इसको एक छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा, लेट से मुझे अल्फा की पावर फाइव निकालना है इधर, तो क्या करते थे हम अल्फा की पावर फाइव को क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अब इस अल्फा स्क्वायर की जगह वी कैन राइट अल्फा प्लस वन, इसकी जगह अगेन अल्फा प्लस वन और ये अल्फा है, तो अब देख रहे हो पहले फाइव डिग्री था अब इधर थ्री डिग्री बचा, तो इसमें अल्फा क्यूब आएगा उसको दोबारा अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा लिखेंगे, तो वील कीप ऑन यूजिंग दिस अल्फा स्क्वायर सो दैट एक एक बार पावर कम होता रहेगा, वही चीज इधर है ए स्क्वायर आ गया, अब मेरे को निकालना है ए की पावर फाइव, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर की ये रख दो फोर ए माइनस सेवन आई, फोर ए माइनस सेवन आई इंटू ए, अब इससे क्या होगा तुम्हारा जो जो ए में एक ए जो टर्म आएगा ना ए क्यूब में आएगा, चलो इसको कर लेते हैं फोर ए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिक्सटीन ए स्क्वायर फोर ए माइनस सेवन आई मल्टी आई, और याद रखना जल्दी जल्दी में गड़बड़ नहीं करना मैट्रिक्स हैं, फोर ए इंटू फोर सेवन फोर सेवन फोर का ट्वेंटी एट तो माइनस ट्वेंटी एट ए, फिर माइनस ट्वेंटी एट ए, अच्छा ये तो हाँ ठीक है ट्वेंटी एट ए प्लस सेवन सेवन था फोर्टी नाइन, और आई स्क्वायर आएगा आई स्क्वायर इज आई ओनली तो फोर्टी नाइन आई,
आई स्क्वायर को आई क्यों लिखा? बिकॉज मैंने बोला आई के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो, इधर कुछ भी हो, द रिजल्टेंट विल बी दिस मैट्रिक्स ओनली. तो हेंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई ओनली. तो दिस इनटू ए. अब 16 ए स्क्वायर है इनटू ए, तो क्या हो गया 16 ए क्यूब माइनस 28 माइनस 56 ए, और उधर से ए आ रहा है तो माइनस 56 ए स्क्वायर प्लस 49. अब क्या करो, दोबारा ए क्यूब को कैसे ब्रेक करो, ए स्क्वायर इनटू ए, फिर ए स्क्वायर की ये रख दोगे तो फिर तुम्हारा रिड्यूस होके ए स्क्वायर में बन जाएगा. फाइनली इसके बाद एक बार और करके जब ए स्क्वायर को दोबारा ऐसे रखोगे तब तुम्हारा क्या होगा, एक लीनियर बन जाएगा. लीनियर मतलब इसको रिड्यूस करते करते वॉट एवर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. लेट्स मैं अल्फा बीटा दो कॉन्स्टेंट के टर्म्स में लिख रहा हूँ, अल्फा ए प्लस बीटा टाइप आ जाएगा. फिर अल्फा एंड बीटा आर माई कॉन्स्टेंट, तो बस फिर क्या करना पड़ेगा, अल्फा ए प्लस बीटा, और बीटा अकेला नहीं लिखूंगा मैं, बीटा के साथ आई लिखूंगा क्योंकि मैट्रिक्स है ना. फिर अल्फा एंड बीटा आर माई कॉन्स्टेंट, तो बस इसमें क्या करोगे, ए की वैल्यू उठा के ये रख दोगे. क्लियर है? एग्जैक्टली वही है जो क्वाड्रेटिक में किया था, थोड़ा सा भी अंतर नहीं. अच्छा, अब शायद कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट मेथड में क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि वो इससे फास्ट है. ये ऑफ कोर्स इट इज लेंथी, क्योंकि अगर इधर पावर बढ़ा दिया तो हमें बहुत आगे तक जाना पड़ेगा और मिस्टेक होने की संभावना बहुत है. तो बेटर क्या है, हम दूसरा मेथड करेंगे. उसमें हम क्या करते थे उसको और डिस्कस कर लेते हैं. देखना उसमें क्या करते थे हम, चलो एक ही बार फाइव निकालना है. तो मैंने बोला क्या किया, जैसे एक ही बार फाइव को, अच्छा अभी एक मिनट के लिए मैट्रिक्स वगैरह भूल गए, जस्ट एक सिंपल एक नंबर वगैरह समझो, एक ही बार फाइव को वेरिएबल समझो ए को. मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस सेवन आई से. ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूँ देखना. जैसे हम ऐसे नहीं लिखते, जैसे मैंने बोला डिवाइड बाय 8 लिखा और मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो क्या आता है 3 टू जा 6 और इधर आता है 2. तो हम कैसे लिखते हैं इस 8 को, दिस 8 इज इक्वल टू दिस इनटू क्वोशेंट, तो 3 इनटू 2 प्लस रिमाइंडर. समझ में आया? तो उसी तरीके से मैं ए को क्या लिखने वाला हूँ देखना, ए को आई विल राइट इट एज दिस, ये आया हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i इनटू क्वोशेंट, इसको डिवाइड करूंगा तो इधर क्वोशेंट आएगा, इनटू क्वोशेंट में लिख नहीं रहा हूं पूरा, प्लस रिमाइंडर. अच्छा अब कुछ सोचो, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इस क्वाड्रेटिक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लीनियर बचेगा या कांस्टेंट बचेगा या जीरो बचेगा? स्क्वायर वाला तो नहीं बचेगा, क्योंकि स्क्वायर वाला बचेगा तो फिर हम दोबारा वो किसी का मल्टीपल चले जाएगा. तो हेंस इट विल बी अ लीनियर, तो अल्फा ए प्लस बीटा आई. अब शायद याद आ गया होगा, तुम्हें वेरीफाई करना है. क्या करना है, तुम्हें घर जाके, मतलब अभी घर पे ही हो, क्लास में तो हो नहीं, तो तुम लोग इसका फाइनल आंसर दोनों मेथड से निकालोगे, एक तो इससे पहले वाले से भी और इससे भी, क्योंकि क्लास में डिस्कस करूंगा दैट इज नॉट ए स्मार्ट वर्क. ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए हैं क्वाड्रेटिक में, बट मुझे तो आइडिया देना था कि इस टाइप के क्वेश्चन मैट्रिसेस में ही बनते हैं. इस क्वेश्चन के बाद चलो इसको कंप्लीट कर लेने डिस्कशन, उसके बाद तुम लोग का टारगेट है दोनों मेथड से यू विल सॉल्व दिस एंड सेंड इट टू मी. You will notify me कि हाँ सर हमारा दोनों आ रहा है, देखते हैं किस किस का मेरे को रिप्लाई आता है. चलो अब क्या करें, अब मुझे पता है कि ये वाला पार्ट तो जीरो है, ये चीज क्यों, क्योंकि ए मैट्रिक्स इसका रूट है तो ये तो जीरो है. तो अब देखना ये जीरो लिखा है, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स इंटू एनी मैट्रिक्स दिस इज इटसेल्फ इज अ मैट्रिक्स, तो ये पूरा तो जीरो हो गया. फाइनली वी आर लेफ्ट आउट विद अल्फा ए प्लस बीटा आई, अल्फा और बीटा तो आ जाएगा कॉन्स्टेंट है. ठीक है ना, तो फिर क्या करेंगे फाइनली हम ए को और आई को उधर निकाल देंगे. क्लियर हो बच्चों? ठीक है, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज ए प्लस बी इज गिवन एज दिस एंड ए माइनस बी इज गिवन एज दिस मैट्रिक्स, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी मैट्रिसेस. तो सिंपल है, ये तो बहुत बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है. क्या करें, हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी और बी गायब हो जाएगा, 2a आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे. तो क्या कर रहे हैं हम, हमें निकालना क्या है a एंड b. तो इधर पहले लिख लो पूरा क्वेश्चन, फाइंड मैट्राइस a एंड मैट्राइसिस b. तो क्या किया हमने, a प्लस बी और a माइनस बी को ऐड किया, तो LHS में क्या आएगा हमारा, ट्वाइस ऑफ मैट्राइसिस a. और हमें पता है एडिशन में क्या करते हैं, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2, 0 प्लस 4 दैट इज 4, 2 प्लस 4 दिस 6, 2 प्लस 4 6, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 0 2, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 2 प्लस 2 4. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए. अब 2 को क्या करते हैं, हम इधर हाफ लिख देते हैं और उस 2 को अंदर ले जाते हैं.
मतलब क्या करें, हम 2 से हर एक एलिमेंट को डिवाइड करते हैं. तो योर आंसर विल बी मैट्रिसेस ए विल बी 1 2 3 3 2 1 0 0 2. दैट्स इट, दिस इज माय मैट्रिक्स. अब ए निकालने के लिए क्या करें हम, देखो एक दो काम कर सकते हैं, या तो एक ए को इधर रख दो, ठीक है ना, तो तुम्हारा मैट्रिक्स बी आ जाएगा. क्या होगा, हमारा ए इधर रखेंगे तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो एलएचएस में चला जाएगा. या फिर क्या करो, इन दोनों मैट्रिसेस को सेपरेट करो, उससे क्या आएगा तुम्हारा, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए माइनस बी विल बी ट्वाइस ऑफ बी. तो क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं. तो देखना इधर आएगा ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू 1 - 1 0 0 - 4 - 4 2 - 4 is - 2 2 - 4 is - 2 2 - 2 0 2 - 2 0 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - 2 0. दिस इज माय ट्वाइस ऑफ बी. तो क्या करें, 2 को हम मैट्रिसेस के अंदर लेके जाते हैं, और जैसा कि अगर 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हर एक एलिमेंट से होता है. तो हमारा बी मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 0 - 2 - 1 - 1 0 1 1 1 2 sorry 1 1 0. तो दिस इज ए एंड दिस इज मैट्रिक्स. बहुत ही सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है. तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हमारा, देखना पहले वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं आता है तो यू कैन रेफर सॉल्यूशन. दिस इज -4 8 4 - 1 2 1 - 3 6 3. हाँ, एंड दिस इज, और गिवन निकालना क्या हमें, फाइंड मैट्रिसेस ए. तो उसने एक रिलेशन दे दिया हमें, क्या कि दिस मैट्रिक्स इनटू ए इज दिस, देन वी हैव टू फाइंड ए. देखो इसको ढंग से लिख लेते हैं, दिस इज 4. अच्छा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का ऑर्डर डिसाइड करना होगा. तो यू कैन सी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज 3 × 1. अच्छा, अब मुझे एक और मैट्रिक्स चाहिए जो कि ए मैट्रिक्स है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा क्या है, दिस इज 3 × 3. तो देखो, दिस इनटू दिस को डिफाइन होने के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तो इधर तो 1 × something आना चाहिए. समझ में आएगी 1 क्यों लिखा मैंने, तभी हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. जैसा कि हमने देखा, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए. दूसरी बात, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, दिस 3 × और जो भी इधर आएगा इसमें, लेट्स से अल्फा, तो इस इधर तो 1 होना चाहिए एंड इधर अल्फा होना चाहिए. और अब देखिए, अब इसका जो ऑब्टेंड मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 3 × अल्फा. तो 3 × अल्फा मतलब 3 × 3, तो अल्फा की जगह क्या आना चाहिए, 3. तो समझ में आया क्या बोला भाई. अब पहले हमें जो नई मैट्रिक्स निकालनी है उसका हमें क्या बोलते हैं, ऑर्डर डिसाइड करना होगा. तो 1 × 3 1 × 3 मतलब एक रो, तो मान लिया एक्स वाई जेड, दिस इज 1 × 3, और इधर हमारा दिया है 4 1 3, दिस इज 3 × 1. अब रिजल्टेंट जो है हमारा, दैट विल बी दिस मैट्रिक्स. अब सुनना ध्यान से, चलो लिख लेते हैं इसको इधर, -4 8 4 - 1 2 1 - 3 6 3, ठीक है. अब देखना, अब क्या करते हैं, हम इसका रो उठाते हैं, इसका कॉलम उठाते हैं, उन सम ऑफ प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए. तो 4 × x, फिर इस साइड इसकी पहले रो में और कोई एलिमेंट तो है नहीं, सिमिलरली इसके कॉलम में कोई एलिमेंट नहीं है, तो 4 × x शुड बी -4. तो 4x शुड बी -4, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1. अब इस पहले रो को पकड़े रखा, फिर पहला रो इसका सेकंड कॉलम, दिस इज 4 × y, तो 4 × y दिस शुड बी इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2. और लास्टली एक और देखो, 4 × z, इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, तो 4 × z इज इक्वल टू 4, 4z इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल टू 1. तो हमारे x, y, z की वैल्यू आ गई. अच्छा, तो अब वीडियो पॉज करके सोचो कि इतना करना सफिशिएंट है क्या. कैन आई से द आंसर इज x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1. जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक इट, ठीक है. मैं इसको बताने जा रहा हूँ, अभी सफिशिएंट नहीं है, अभी मुझे और भी चीज़ें वेरीफाई करना पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अभी मैंने केवल पहला रो उठाया इसका, रो 1, और इसके तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया है. ऑल्दो मेरी x, y, z जो तीन वेरिएबल थे उसकी वैल्यूज तो आ गई, बट वी शुड वेरीफाई कि रो 2 और रो 3 के लिए भी ऐसा हो रहा है कि नहीं, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखना, 1, इसका रो 2 उठाया, तो 1 × x, x माइनस 1 था तो -1 आ गया. 1 × y, 1 × 2, 2 आ गया.
वन इंटू जेड, जेड इज वन, तो वन इंटू वन वन, तो इसकी तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो x की y z की वैल्यूज आई रो वन को c1 c2 c3 के इससे मल्टीप्लाई करके वो रो टू के लिए भी रिजल्ट हमें दे रही है, दैट मींस अभी तक तो करेक्ट है। नाउ वी विल गो फॉर रो थ्री ऑल्सो, तो थ्री इंटू एक्स शुड बी माइनस थ्री, तो x क्या माइनस वन विच इज करेक्ट। थ्री इंटू वाई, वाई कितना टू, थ्री टू सिक्स, हेयर इट इज सिक्स। सो लास्टली थ्री इंटू जेड, जेड इज वन विच इज थ्री, हैंस नाउ वी विल से दिस इज माई आंसर। समझ में आया? इससे पहले मैं क्यों नहीं बोला, उससे पहले ऑल दो मेरी वैल्यूज आ गई थी एक्स वाई जेड की, बट वी हैव टू वेरीफाई। अब हो सकता है यहाँ अगर मान लो फोर दिया, एक मिनट के लिए सोचो, अगर मान लो इधर फोर दिया होता, जो कि नहीं दिया, ऑफकोर्स दिया होता तो तुम तो क्या करते, रो वन से कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाती। अगर उधर बोल देते हाँ ये हो गया, दिस इज माई आंसर, तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? नाउ यू कैन सी ना कि अगर मैं इस थ्री को इससे मल्टीप्लाई करूँ, किससे, सॉरी थ्री, इसका थर्ड रो, इसका थर्ड कॉलम, तो थ्री इंटू जेड, जेड इज वन, तो थ्री इंटू वन थ्री आता, लेकिन इधर तो फोर है। तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज नो सच वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फॉर विच दिस इज ट्रू। तो मैं एक भी जगह फेल हो जाता तो हम बोलते देयर इज नो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, बट जो कि इधर आ रहा है आंसर हमारा वेरीफाई हो रहा है, देयरफॉर इट इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के लेक्चर में मोस्टली क्वेश्चंस देखने वाले हैं और थोड़ा सा थियरी पार्ट अगर पॉसिबल हुआ तो, विल सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो एग्जांपल, इफ ए इज इक्वल टू, देखना, ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। फाइंड मैट्रिक्स ए रेज टू पावर 70, ठीक है ना, और दे क्या रखा है हमें, W जो लिखा है ओमेगा, दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो लिख लो इधर, वेयर W क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, चलो, तो इससे पहले मैं एक छोटा सा नोट और लिखवाना चाहूंगा, हालांकि उसको बिना करे भी ये चीज आ जाएगी हमारी। देखो, इस टाइप के जब जनरली क्वेश्चन बहुत पावर ज्यादा होता है तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम कुछ पावर्स का मैनुअली करके देखते हैं, फिर एक ट्रेंड देखते हैं क्या उसमें ट्रेंड आ रहा है, उसके आधार पे हम हायर पावर का लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ए 70 तक जाएंगे, नहीं, पहला ए स्क्वायर ए क्यूब तक मैक्सिमम जाएंगे, फिर हम एक ट्रेंड पहचानेंगे क्या हो रहा है ट्रेंड, उसके हिसाब से आई कैन राइट इट डायरेक्टली दिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए स्क्वायर लिखा, तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है, ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा इंटू यही वाला मैट्रिक्स, ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा, तो यू कैन सी कितना आ रहा है ये हमारा, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस जीरो विच इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस जीरो ओमेगा इंटू जीरो 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 प्लस प्लस जीरो, तो जीरो आ जाएगा ये, जीरो इंटू ओमेगा ओमेगा इंटू जीरो अगेन जीरो, तो जीरो इंटू जीरो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो यू कैन सी कि ए स्क्वायर हमारा ये आया। अब पैटर्न बचाने के लिए एक आध और निकाल के देखो, जैसे कि मैंने लिखा ए क्यूब निकाला, ए क्यूब कितना आएगा, ए स्क्वायर विच इज ओमेगा स्क्वायर जीरो जीरो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, एंड ए हियर इज जीरो ओमेगा जीरो ओमेगा, तो मेरा फाइनली क्या आया, देखो ओमेगा क्यूब जीरो, तो ओमेगा क्यूब, फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, जीरो इंटू ओमेगा, सॉरी हाँ, जीरो इंटू ओमेगा जीरो, ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। नाउ यू कैन सी द पैटर्न कि क्या हो रहा है, जब क्यूब निकाल रहे हैं तो ओमेगा की पावर क्यूब आ रहा है, जब ओमेगा की पावर ए की पावर फोर निकालेंगे तब ओमेगा की पावर फोर आएगा। हैंस वी कैन से कि ए की पावर 70 जो होगा दैट विल बी ओमेगा की पावर 70 जीरो जीरो ओमेगा की पावर 70। अब हम आते हैं किसमें, हमारा कॉम्प्लेक्स में। अब हम बताएं ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 इज सेम एज ओमेगा, तो हम इसको क्या देख सकते हैं, ओमेगा की पावर 69 इंटू ओमेगा जीरो जीरो ओमेगा की पावर 69 इंटू ओमेगा। नाउ वी नो ओमेगा की पावर 69 दिस इज 1 बिकॉज 69 इज मल्टीपल ऑफ 3, हमें पता है ओमेगा रेस टू पावर 3 एंड 1 होता है, तो हैंस दिस मैट्रिक्स विल रिड्यूस टू ओमेगा 0 0 ओमेगा। आया समझ में बच्चों? तो थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लेक्स का भी एप्लीकेशन हो गया और फिर मैट्रिसेस का ही। अच्छा, मैं नोट जो बोल रहा था शुरू में, मैंने बोला इसके लिए हम एक नोट लिख लेते हैं क्या, कि अगर कोई डायगनल मैट्रिक्स है ना, दो डायगनल मैट्रिक्स, तो ऐसे लिख लो फर्स्ट, जस्ट कॉपी दिस पार्ट बिकॉज मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं नोट लिखवा देता हूँ। क्या आया नोट, कि अगर कोई दो डायगनल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में लिखना, मैं उसको लिखवाता हूँ, लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखवाऊंगा मैं, यू हैव टू राइट ऑन योर ओन वर्ड्स। मैंने क्या लिखा, मैथमेटिकली लिख लेता हूँ मैं, मैंने लिखा दो मैट्रिसेस हैं एंड बोथ आर डायगनल मैट्रिक्स, तो लेट्स से अल्फा 1 0 0 0 अल्फा 2 0 0 0 अल्फा 3,
एंड लेट्स से सेकंड मैट्रिक्स इज बीटा 1 0 0 0 बीटा 2 0 0 0 बीटा 3 दीज आर माय टू मैट्रिक्स. तो डायरेक्टली रिजल्ट क्या लिखेंगे हम, दोनों मैट्रिक्स अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन का उसमें क्या होगा ना, डायगोनल एलिमेंट सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे. जैसे कि अल्फा 1 * बीटा 1 इधर आएगा, अल्फा 1 बीटा 1 0 0 0 अल्फा 2 बीटा 2 0 0 0 अल्फा 3 बीटा 3. समझ आया? ऐसे ही अब जो हमने इसे क्वेश्चन दिया था उसमें भी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स था. क्या था वो बेसिकली? ओमेगा 0 0 ओमेगा. तो अगर मान लो आपको इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करेंगे डायरेक्टली. आप देखेंगे कि हमारा दो डायगोनल मैट्रिक्स है तो क्या करें, सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या आएगा हमारा, वही ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर. फिर दोबारा ओमेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से, फिर अगेन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. क्लियर है? नोट करके ये लिख लो, लिख लेना फॉर इफ वी मल्टीप्लाई टू डायगोनल एलिमेंट्स टू डायगोनल मैट्रिसेस देन द रिजल्टेंट विल बी आल्सो अ डायगोनल मैट्रिसेस where the elements of diagonal will be the product of diagonal elements of matrix 1 and matrix 2. Clear hai? Chalo. Ab hum jump karte hamare next question ki taraf. To video pause karke is part ko as usual copy karo. Next question. Do matrices diye hain. A is equal to A, B, minus B, A, and matrix B is C, D, minus D, C. हमें पता करना है कि A और B कम्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. Find whether A और लिख लो चलो. Find whether A and B commute or not. Commute or not. ठीक है? तो मैंने बताया था दो मैट्रिसेस कब कम्यूट करती हैं, जब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो. अच्छा एक चीज और उसमें, एक और चीज देखेंगे क्या ऐड करूंगा मैं, कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं तो पक्का उनका एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. बोथ हैज टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. तो इसको नोट के फॉर्म में भी लिख लो इस एग्जाम्पल में. हालांकि इसका इधर यूज नहीं हो रहा है, इसका अगले क्वेश्चन में यूज होगा, बट इधर ही मैंने बता दिया क्या कि दो मैट्रिसेस कम्यूट कर रही है तो हमने क्या लिखा था, ए बी इज इक्वल टू बी ए. बट ए बी और बी ए को डिफाइन होने के लिए We'll see कि दोनों मैट्रिसेस एक तो स्क्वायर होना चाहिए प्लस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं ए और बी का ऑर्डर तो सेम है, तो इसकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं. अब क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू बी होना चाहिए हमारा. तो निकाल के देख लेते हैं, पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी मैट्रिक्स. तो ए बी क्या हो जाएगा, चलो इधर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, ए इंटू सी बी इंटू माइनस डी. तो ए सी माइनस बी डी, फिर इसका रो वन पकड़ा रखा, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी. फिर आएगा माइनस बी सी माइनस ए डी, माइनस बी सी माइनस ए डी, लास्टली माइनस बी डी और प्लस ए सी. दिस इज माई मैट्रिक्स ए बी. अब हम बी ए निकाल लेते हैं. अगर दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या बोलते हैं, कम्यूट कर रहे हैं. तो लेट्स फाइंड बी ए. तो बी ए के लिए क्या करेंगे, पहले हम इधर लिख लेता हूँ मैं, सी डी माइनस डी सी दिस इन टू ए बी माइनस बी ए. नाउ जस्ट सी, A into C AC minus BD, तो AC minus BD, फिर BC plus AD, BC plus AD, फिर minus AB AD minus BC, minus AD minus BC, and lastly minus BD plus AC. Now just see क्या ये दोनों matrices बराबर है. matrices कब बराबर होती हैं, एक तो उनका order same होना चाहिए of course, and the primary and the next thing is कि corresponding elements बराबर होना चाहिए. you can see AC minus BD इसके बराबर है, AD plus BC ये आ गया, minus BC minus AD ये आ गया, and lastly minus BD और AC, minus BD AC ये आ गया. hence AB is equal to BD, this implies A and B commute, A and B commute. clear है? ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऊपर का. चलो अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तुम लोगों को लगेगा सर बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी अभी हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है ना, अभी हमारा क्या है, मैट्रिक्स का थर्ड या फोर्थ लेक्चर ही है, तो थोड़ा अभी हम स्लो जा रहे हैं. अभी लेवल आज ही के लेक्चर में यूल सी कि हम कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी बहुत करने वाले हैं. तो लेट मी राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, जैसे कि अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो मजेदार क्वेश्चन है. इसमें अभी उसका यूज होगा जो मैंने अभी बोला था कि दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, वो कम्यूट कर रहे हैं, तो क्या रिक्वायरमेंट है हमें,
हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, पहली बात तो वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड बोथ हैज टू बी ऑफ सेम ऑर्डर। उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं मैं, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड, इस क्वेश्चन को तुम लोग ट्राई करोगे ज्यादा अच्छा, ज्यादा सीखने मिलेगा, पहले खुद से ट्राई करना। फाइंड ऑल द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद, विच कैन कम्यूट विद ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आसान नहीं बोलूंगा इसको, प्रॉपर जेई लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उसने बोला कि सारी वो सारी मैट्रिक्स निकालो जो इसके साथ कम्यूट कर रही हैं। तो लेट्स से द मैट्रिक्स इज बी, मैंने मान लिया कि मैट्रिक्स बी है। अच्छा, अब मैंने जैसा कि स्टेटमेंट नोट करके बोला था कि अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट कर रही हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड बोथ हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये तो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी स्क्वायर होना चाहिए क्या, और इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2×2। तो इसका ऑर्डर अभी हमने डिसाइड कर लिया, दैट शुड बी 2×2, मतलब इधर चार एलिमेंट आना चाहिए 2×2। समझ में आया जब मैं किस बेसिस पे लिखाऊं, क्योंकि ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। अच्छा चलो, इसका रीजन भी देख लेते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम क्यों होना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखना, मैंने जिस दिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखवाया था उस दिन मैंने बोला था ए बी, लेट्स से ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, बी का ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, ये लिखवाया था। तो मैंने बोला था ए बी एंड बी ए, अभी बराबर की बात नहीं चल रही, अगर ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन होना है, ए बी और बी ए को डिफाइन होना है, तो ए का अगर ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो इसका क्या होना चाहिए, एन क्रॉस एन। क्लियर है? सिमिलरली, अच्छा जब ए बी निकालूंगा, सुनना मैंने क्या बोला स्टेटमेंट द्वारा, ध्यान से सुनना एक एक स्टेप। मैंने बोला ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है एंड अगर ए बी और बी ए दोनों को डिफाइन होना है, केवल ए बी को नहीं दोनों को डिफाइन होना है, तो बी का ऑर्डर एन क्रॉस एम होना चाहिए। अच्छा, ऊपर वाले केस में रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ये एन से ये एन गया एम क्रॉस एम, तो जो ए बी होगी हमारी उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम क्रॉस एम। सुनना ध्यान से, अब इधर भी मैंने बोला कि इसका अगर ऑर्डर जैसे मैंने इधर लिखा एम क्रॉस एन और इसका क्या होना चाहिए, एन क्रॉस एम, तो इधर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, बी ए का, बी ए का ऑर्डर आ जाएगा एन क्रॉस एन। अब मुझे पता है कम्यूट कर रही है तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, मैट्रिसेस बराबर है तो इसका मतलब ऑर्डर भी सेम होगा, इसका मतलब एम शुड बी इक्वल टू एन। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि एम और एन बराबर है, पहले तो ये था कि एम और इसका एम क्रॉस एन है, इसका एन क्रॉस एन है, अब एम और एन बराबर है इसका, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी एम क्रॉस एम है, ये भी एम क्रॉस एम है। इससे हमने क्या प्रूफ किया कि अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट कर रही हैं तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो वो तो आगे चल के कंडीशन है। प्राइमरी थिंग क्या है कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर, तो इसको अच्छे नोट करके लिख लो। ठीक है चलो, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2×2 होना चाहिए, तो 2×2 मैट्रिक्स जनरल लेने के लिए मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए पड़ेंगे, चार वेरिएबल्स। तो लेट से मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, सो लेट मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। अब क्या करें, अब ये वाली फुलफिल तो हो गई कि ये भी 2×2 है, ये भी 2×2। अब ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है, तो कंडीशन क्या हमारे पास कम्यूट करने की, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं इक्वेशन बना दूंगा उसके बाद तुम लोग एक बार ट्राई करना। तो पहले कैसे निकालेंगे, तो इधर लिख लिया मैंने ए बी 1, 3, 2, 4 इंटू बी ए बी सी डी, दिस शुड बी इक्वल्स टू बी ए बी सी डी एंड हियर इट इज 1, 3, 2, 4। चल अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2×2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2×2 मैट्रिक्स ही बनेगा। इधर के एलिमेंट आएगा 1a, मतलब a प्लस 3c, a प्लस 3c, फिर ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, पहली रो को पकड़ के रखा तो 1 इंटू बी बी प्लस 3d, फिर ये वाला सेकेंड रो उठाया 2 इंटू ए 2a प्लस 4 इंटू सी 4c एंड लास्टली 2b प्लस 4d। क्लियर हो बच्चों, दिस शुड बी इक्वल्स टू, अब इधर कर लेते हैं ए प्लस 2b और ए 3a प्लस 4b और इधर आएगा सी प्लस 2d
एंड लास्ट ईयर इट इज 3c प्लस 4d। क्लियर है? चलो तो मैं ऊपर वाले पार्ट को रब कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट कॉपी दिस पार्ट। इसको भी रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे फाइनली ABCD की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर है, तो क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर इक्वेट कर देंगे। तो a प्लस 3c इज इक्वल टू a प्लस 2b, पहली इक्वेशन। फिर इधर से कर देते हैं, b प्लस 3d शुड बी इक्वल टू 3a प्लस 4b, दिस माय सेकंड इक्वेशन। 2a प्लस 4c शुड बी इक्वल टू c प्लस 2d, दिस थर्ड इक्वेशन। एंड लास्टली 2b प्लस 4d शुड बी इक्वल टू 3c प्लस 4d, दिस आर माय फोर इक्वेशन। ठीक है, तो फोर वेरिएबल्स है, फोर इक्वेशंस हैं, दो सॉल्व हो जाएंगे। बट तुम क्या करो, एक बार खुद से ट्राई करो इनको सॉल्व करना, तो ज़्यादा सीखने मिलेगा। एंड यू कैन आस्क मी डाउट ऑन व्हाट्सएप अगर कहीं भी अटकते हो, क्योंकि इसमें, चलो मैं हिंट भी दे देता हूँ, इसमें हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना? देर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होगा बेसिकली, कि देखो जैसे कि मैंने बोला कि चार इक्वेशन है, अगर मान लो किसी तरीके से ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई कट पिट के, मतलब दो इक्वेशन को सॉल्व किया उससे यही चीज आ गई, तो इससे का मतलब क्या, ओवरऑल हमें तीन इक्वेशन दिए, उसका मतलब क्या है कि तीन वेरिएबल है, सॉरी चार वेरिएबल और तीन इक्वेशन है, इसका मतलब एक इक्वेशन कम है। तो मतलब चारों की वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन चारों को हम किसी एक पैरामीटर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे उस पैरामीटर के टर्म्स में, लेट्स से ए की वैल्यू लैम्डा आई, बी की 2 लैम्डा आई, सी की 3 लैम्डा आई, डी की 4 लैम्डा आई। तो हम बोलेंगे मैट्रिक्सेस विल बी लेट्स से ऐसे, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। क्लियर है? तो फिर लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस। अगर मान लो इन चारों को सॉल्व करने पे वी आर लेफ्ट आउट विद टू इक्वेशन, मान लो दो आइडेंटिकल, तीन आइडेंटिकल आ गए, तो हमारे पास ओवरऑल दो इक्वेशन रह जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर यूज करेंगे। लेट्स से मैंने बोला ए को लैम्डा डाल दिया, बी को म्यू डाल दिया, फिर सी और डी को म्यू और लैम्डा के टर्म्स में निकालेंगे। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स बनेगा इधर, उसमें लैम्डा और म्यू होंगे हमारे पास। समझ में आया क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, तो इसके बाद एक बार उससे ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आस्क। एक अच्छा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम इसी कैटेगरी का मैं होमवर्क में देने वाला हूँ आज की क्लास में, सेम कैटेगरी। एक मैट्रिक्स दे दूंगा, फिर मैं बोलूंगा फाइंड ऑल द मैट्रिसेस व्हिच कैन कम्यूट विद दैट मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको करना है तुम्हें, ठीक है ना? नहीं, अगर तुम लोग बताना, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई विल अपडेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है? आफ्टर दिस ओनली, इस पर्टिकुलर पार्ट के बाद। हालांकि सिंपल है, देखो जैसे इधर ए से ए गया तो बी इज इक्वल टू 2b = 3c आ गया, ठीक है? फिर इधर रख दो उसकी वैल्यू, फिर इधर, फिर इन दोनों को एक बार लो, तो इतना है कि इसका इनफाइनाइट आंसर आएगा। कैसे आएगा वो एक बार तुम लोग देखो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, ठीक है? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना क्या है क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, और बी मैट्रिक्स रखा है हमारा 1 0 5 1, और दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, देन फाइंड अल्फा। तो उसने दे दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो क्या करें हम, ये भी हालांकि सिंपल क्वेश्चन ही, ए स्क्वायर निकालते हैं, उसको बी के इक्वेट करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर करके देखेंगे। तो पहला काम है ए स्क्वायर निकालना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1, तो मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू 0 0 इंटू 1 0, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू 1, तो अल्फा प्लस 1, 1 इंटू 0 1 इंटू 1, तो 1। अब उसने बोला दिस इज इक्वल टू बी, और बी हमारा है क्या 1 0 5 1, तो देखो ये वाला एलिमेंट और ये तो बराबर 0 0 दिख ही रहा है, सिमिलरली ये 1 और ये 1 सेम दिख रहा है, तो हम ये दोनों वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देखना एक बार इंटरेस्टिंग चीज आएगी, मान लो तुमने पहले इसको इक्वेट किया, तो यू गेट अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो इधर से मिला अल्फा इज इक्वल टू 4। बट मैं तुरंत ये नहीं बोलूंगा कि अल्फा इज इक्वल टू 4 इज द आंसर, वी मस्ट वेरीफाई कि ये अल्फा इज इक्वल टू 4 इस वाले एलिमेंट पर रखने पर भी बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं आएंगे तो हेंस देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा। तो रख के देखा, तो अल्फा स्क्वायर रखोगे इधर तो क्या आएगा 8, बट इधर तो 1 है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 4 नहीं रख सकते, इसके लिए तो सेटिस्फाई हो जाएगा बट ऊपर वाले के लिए नहीं होगा। तो फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। क्लियर हुआ? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी।
ये नहीं बोलेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो अल्फा, सॉल्यूशन तो है, अल्फा नहीं है, अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है, यही अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सो देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, अब देखना ध्यान से। हाँ, इसको भी अपने से ट्राई करो, इससे रिलेटेड भी शीट में तुम्हारे क्वेश्चन दिए हैं और जेई में भी आ चुका है इसके बेसिस पे, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, खुद से ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। उसने बोला है इफ ए बी इज इक्वल टू बी और बी ए इज इक्वल टू ए देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। तो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने ये वाला एलिमेंट पहले देखा ए स्क्वायर, क्या लिखूं मैं ए स्क्वायर को, आई कैन राइट ए इंटू ए। अब इस ए को मैं इधर से क्या लिख सकता हूँ, बी इंटू ए, तो ए इंटू बी इंटू ए। अब ये जो मतलब ए बी है, ए बी इसको मैं इधर से उठा के रख देता हूँ, क्या हो जाएगा बी ए, बी हो जाएगा ये, और ये क्या है ए, और बी ए किसके बराबर है, अगेन दोबारा इधर दिस इज ए। इस टाइप के क्वेश्चन पहले आगे भी चल के आएंगे मार्कशीट में, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो देखा ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, क्लियर है। तो अब खुद सोचो जब मेरा ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बट इसके आगे की बात बता रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ वो ए स्क्वायर अगर मान लो कुछ हायर पावर भी देता तो क्या करें, ए स्क्वायर ए के बराबर है, अब मैंने क्या किया ए से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो इसका मतलब ए की कोई भी पावर ले लूँ नेचुरल, ऑफकोर्स नेचुरल नंबर दैट विल बी इक्वल टू ए ओनली। तो अगर मान लो इधर टू की जगह मेरा 110, 100, 1000 ऐसा कुछ बहुत बड़ा नंबर भी दिया होता, तब भी वो मैट्रिक्स किसके बराबर होती, ए के बराबर। अब बी में कुछ अलग तो करना नहीं है, तो बी का कर लेते हैं, चलो बी स्क्वायर को क्या लिखूँ, बी इंटू बी। अब इस बी को क्या लिखूँ, बी ए बी, और फिर ये बी ए क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ये क्लब किया, फिर ए बी किसके बराबर हो गया, बी के बराबर। सिमिलरली बी की पावर कुछ भी हो इट विल रिड्यूस टू बी, तो हेंस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। क्लियर हुआ बच्चों, अगेन आई एम गिविंग स्ट्रेस, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीट में भी तुम्हें मिलेंगे और प्रीवियस ईयर जेई में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के, जहाँ हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे शुरू की दो इक्वेशन दी होती है और एक जो प्रूव करना होता है उसको हम रिड्यूस करते करते विद हेल्प ऑफ दीज टू इन्फॉर्मेशन हम RHS को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। चलो वीडियो को पॉज करो, कॉपी करो, नाउ वी विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स दिया है ए 1 1 0 0 1 0 0 0 1, और हमें निकालना है फाइंड ए रेज टू पावर एन, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड ए रेज टू पावर एन। तो जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि अगर तुम्हें कुछ पावर हायर पावर वगैरह दे रखी है तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक दो पावर का मैनुअली करके देखते हैं, फिर हम ट्रेंड देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसमें जैसे ए दिया है, मुझे ए रेज टू एन दिया है, अब एन कुछ भी हो सकता है, तो मैं पहले ए स्क्वायर ए क्यूब वगैरह देखूंगा, पैटर्न पहचानूंगा, उसके बाद आई विल कमेंट ऑन ए रेज टू एन। एक तो ये मेथड है और एक और मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट, वो इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट दिस ए स्क्वायर, तो देखना ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 0 0 1 दिस इनटू 1 1 0 0 1 0 0 0 1, देखना मेरा क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 0, तो ओवरऑल वन आया, चलो वन। अब यही रो पकड़े रहेंगे लेकिन कॉलम सेकंड यूज होगा, तो 1 into 1 1 into 1 2 हो जाएगा, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा 0 0 और 1 into 0 0, तो 0 आ गया, क्लियर। अब 0 0 0, तो ये 0 आ गया, 0 1 0, तो 1 आ गया, 0 0 0, तो ये 0 आ गया, एंड लास्टली लास्ट 0 0 0, तो दिस इज 0 0 0 1 into 0 0, तो ये 0 आ गया, फिर 0 0 1, तो ये 1 आ गया। देखो जब ए स्क्वायर निकाला तो हमें क्या देखना है कि क्या आ गया हमारा, इधर 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करो, ए क्यूब निकालो, तुम्हारा टारगेट ए क्यूब, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ,
ठीक है ना, व्हेन यू विल कैलकुलेट ए क्यू, तब हमारा 100 आएगा इधर 310001। अब शायद पैटर्न पहचान में आ गए, इधर 3 है तो इधर 3 है, इधर 2 है तो इधर 2 है, इधर इधर 1 है, पावर 1 है तो इधर 1 है, बाकी एलिमेंट्स तो सेम है। हेंस ए रेज टू पावर एन क्या हो जाएगा डायरेक्टली, आई कैन से ए रेज टू पावर एन विल बी 100n10001। समझ में आया? एक तरीका तो ये होता है इसका, ठीक है। एक और तरीका होता है, तो उससे पहले क्या करो, तुम लोग वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करो। अब मैं वो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑफकोर्स दैट इज बेटर देन दिस, बट इससे भी हमारा काम चल जाता है इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। हम पैटर्न पहचान लेते हैं, एक दो हायर पावर देखते हैं, और फिर फाइनली जो हमारा पावर दिया होता है एक्चुअली क्वेश्चन में, उसको डायरेक्टली विल कमेंट यूजिंग ए स्क्वायर एंड ए क्यूब वगैरह। मैक्सिमम ए फोर तक जाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब हम मैनुअली देख रहे हैं। तो अब देखते हैं हम इसको नेक्स्ट मेथड से, तो उसमें हमारा थोड़ा बाइनोमियल यूज होगा। द मेथड इज, देखना क्या किया, इस मैट्रिक्स को मैंने दो टुकड़ों में लिख लिया, देखना कैसे लिख रहा हूँ, 100 010001। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें काफ़ी प्रॉपर्टीज पता है और इसका यूज़ बहुत होता है। तो देखो, इसको मुझे आइडेंटिटी बनाना था, तो मैंने इसमें ब्रेक किया, बस रिमेनिंग को मैं दूसरे मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। तो क्या बचेगा इधर हमारा, केवल इस जीरो की जगह वन आ जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को मैंने लेट से, ये तो आइडेंटिटी है ही हमारा i3 3x3 ऑर्डर का, और लेट से इसको b बोल दिया, तो मेरा इक्वेशन जो है वो a इज इक्वल टू आई प्लस बी थ्री है, या फिर b प्लस आई। अब मैं इसकी पावर n ले लेता हूँ, इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा, तो वन एक्स प्लस वाई की पावर n क्या होता है, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, तो वो चीज़ यूज कर रहा हूँ मैं। तो देखना क्या किया, एन सी जीरो बी रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन, अच्छा इधर आई भी आएगा, बट आई एम नॉट राइटिंग इट आई, वाई बिकॉज आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स ओनली, ठीक है। अच्छा एन सी वन इंटू क्या आएगा, बी रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू इंटू बी स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे एन सी जीरो तो वन है, और एनी मैट्रिक्स टू द पावर जीरो इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो गया आई प्लस एन सी वन इज एन इंटू बी प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू बी स्क्वायर। अभी हम आगे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो b मैट्रिक्स तो है, इधर मुझे जरूरत किसकी पड़ रही है, b स्क्वायर की, तो एक बार b स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर क्या आएगा देखना, 010000000 दिस इंटू 010000000, तो ये आएगा 0 0, ये तो तीनों जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया पहला एलिमेंट, फिर सिमिलरली 1 × 0 बाकी ये दोनों जीरो है, जिसके कारण ये जीरो, फिर ये तीनों जीरो है तो जीरो, और फिर ये दोनों, ये तीनों एलिमेंट जीरो है, तो तीनों से मल्टीप्लाई होकर 0 0 0 आने वाला है, सिमिलरली इसके लिए भी। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया हमारा, कि जो बी स्क्वायर है वो नल मैट्रिक्स आ गया किस्मत से। तो अगर बी स्क्वायर एक नल मैट्रिक्स है, तो बी क्यूब वगैरह भी नल मैट्रिक्स होगा, हायर जितनी पावर होगी, क्योंकि अब मैं बी क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब को आई कैन राइट बी स्क्वायर इंटू बी, अगर ये नल है तो इसका प्रोडक्ट किसी के साथ भी नल होगा, हेंस क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जो b की पावर है k, दिस विल बी ए नल मैट्रिक्स फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब वो फैक्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, इसके कारण क्या होगा, ये सब जीरो हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स हो जाएंगे सारी। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो i तो मेरा क्या हो गया 3x3 के लिए 100010001। इसको मुझे n इंटू बी के साथ, तो b n को अंदर लेके जाता हूँ बी मैट्रिक्स के अंदर, तो b के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा n, बट b के अंदर केवल एक ही एलिमेंट नॉन जीरो है, व्हिच इज 1 हियर, तो 1 इंटू n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 0 n 0 0 0 0 0 0, और फाइनली वी विल गेट 1 n 0 0 1 0 0 0। हैंस प्रूफ, यही हमारा पहले मेथड से आया था। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। अच्छा इसमें एक छोटी सी चीज़ है, फ्लॉ है वो मैं बता रहा हूँ, मतलब ये करेक्ट है, बट इन जनरल हम मैंने इधर एक चीज़ लिखते वक्त तुम लोगों को एक चीज़ बताई नहीं है, क्या नहीं बताई, अगर किसी ने पकड़ ली हो तो बताना, ठीक है। तो मतलब सोचना बताओगे तो क्या, सोचना देखना क्या है, देखना मैट्रिसेस में, जैसे अगर मान लो मैं बाइनोमियली इसको एक्सपेंड करता हूँ, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस इज मैट्रिक्स, ए सम ए एंड बी सम नंबर, तो जब मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आता है एक्चुअली इसका, एन सी जीरो
चलो मैं एनसी जीरो को वन ही लिख रहा हूँ, वन इंटू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आता है, इधर ये आता है हमारा। बट मैट्रिसेस में दीज टू आर नॉट इक्वल। अब कोई बोलेगा क्यों सर? क्योंकि जब ए प्लस बी, इसको एक्चुअली प्रोसेस क्या होगा मैट्रिसेस में, ए प्लस बी इंटू ए, इसको भी नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अधिकतर बच्चे लोग गलती करते हैं, वो ट्रीट करते हैं नंबर की तरह मैट्रिसेस को, तो यहीं मिस्टेक हो जाती है। ये इसके बराबर नहीं होता है मैट्रिसेस में। क्यों? अब देखना, इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये कैसी कि ये दोनों टर्म इसके बराबर तो नहीं होता ना मैट्रिक्स में। क्यों? बिकॉज ऐसा लिखने के लिए बी ए को भी ए के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ए एंड बी शुड कम्यूट, देन ओनली आई कैन राइट इट लाइक दिस वे। मतलब ए बी और बी ए बराबर होना चाहिए, तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो इधर जो मैंने फॉर्मूला लगाया था एन सी वन एन सी टू, इसमें तो क्लब करके होते हैं बेसिकली। ये क्या होता है एन सी वन, ये क्या होता है बेसिकली, ये टर्म जो होता है दैट इज बी रेज टू पावर वन इंटू आई रेज टू पावर एन माइनस वन। ये तो क्लब करके आया बेसिक, ऐसे टर्म होते हैं, पर उसमें बी और आई का इंटर अलग अलग पोजिशन होती है। जैसे इधर हमारी एक बार ए इधर आ गए, बी इधर है, इधर बी ए, इधर ए है। बट चूंकि जो हम जो दूसरा मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बी कोई भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। इसलिए वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, अदरवाइज हम डायरेक्टली से, अगर मान लो इधर आई की जगह कोई ए मैट्रिक्स होता ना, तो हम ऐसे नहीं लिख पाते। क्लियर हुआ? सिंस इट हियर इट इज आई, देयरफॉर वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, क्योंकि हमारे लिए आई इंटू बी, बी इंटू आई सब कुछ सेम है। बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो एक वही मैट्रिक्स आ जाएगी जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप समझ में आया होगा। इसलिए ये चीज इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे से लिख लो, ए प्लस बी का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू दिस फॉर मैट्राइसिस, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ये। इसके बराबर कब होगा? कुछ कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या है? ए एंड बी शुड कम्यूट। क्लियर है बच्चों? चलो तो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा पहले थियरी देख लेते हैं हल्का सा, एक दो पॉइंट, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूं। तो एक दो नोट है वैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि, ठीक है, उसके बाद वी विल सी सम क्वेश्चंस और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा। तो नेक्स्ट नोट क्या है हमारा, देखना ध्यान से, कि अगर इफ ए इनटू बी इज अ नल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड एक और क्या दे रखा है, ए कॉमा बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एंड अब देखना मैं इस वर्ड पे बहुत स्ट्रेंथ दे रहा हूं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। इस एंड का मतलब ये है कि ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा, ऐसा नहीं बोला मैंने ये जीरो या फिर ये जीरो या दोनों जीरो, और नहीं है, एंड मतलब बोथ हैज टू बी जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार खुद से ट्राई करो उसको सोचने का, ठीक है। अब मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ जो तुम लोग, शायद तुम लोगों ने ट्राई किया होगा वैसे, और वो थोड़ा गलत है शायद, मोस्टली बच्चों का जो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वो करेक्ट है बट उससे ये पूरा प्रूफ नहीं होगा। क्या करेंगे मोस्टली बच्चे, इसमें डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ द साइड, एंड दैट स्टेप इज वेरी करेक्ट, मतलब स्टेप करेक्ट है, स्टेप में कोई गलत नहीं है, बट उससे ये चीज़ प्रूफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो मैंने किया, लेट से अभी लिखना नहीं है तुम लोगों को, प्रॉपर अभी प्रोसीजर में बताऊंगा, पहले वो चीज जो जनरली मिस्टेक करते हैं बच्चे लोग। तो क्या किया, डिटर्मिनेंट दोनों साइड लिया, तो इधर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो, दिस इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, दिस इज जीरो नाउ। अब दो का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, इससे क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो और बोथ जीरो। क्लियर है? बट इससे तो ये हुआ कि इन दोनों में से एक जीरो होगा तो भी चलेगा, बट ये स्टेटमेंट तो कुछ और बोल रहा है, एंड मतलब ये भी जीरो होना चाहिए एंड ये भी जीरो होना चाहिए, तो ऐसे तो प्रूफ नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे वो अब हम देखते हैं। देखना क्या किया, उल्टा चलते हैं जैसे हम बचपन में करते हैं, जो प्रूफ करना है
उसका अपोजिट चलते हैं। तो इसमें बोल रखा है लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए और बी जीरो होंगे, तो हम इसका उल्टा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा कुछ आगे चल के एब्सर्ड रिजल्ट आ गया तो हम बोल देंगे जो हमने एज्यूम किया वो गलत है, हेंस डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो। क्लियर है? ऐसी चीज हमने पहले भी की है, थ्री डी में भी ये सब चीज यूज की थी। कॉन्ट्रा मतलब हम अपोजिट चलते हैं अपने आंसर के। ठीक है, फिर आखिरी में कुछ और आ जाता है तो विल से कि हमने जो एज्यूम किया था दैट इज रॉन्ग। अब देखते हैं ए इंटू बी जीरो है। अब इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। मतलब जो जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर होगा, इसलिए आई कैन मल्टीप्लाई ए इनवर्स विद बोथ द साइड। तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, इस स्टेप में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड। अच्छा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, और प्री मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, राइट डाउन प्रॉपरली का लिखना है तो प्री मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अच्छा मैट्रिक्स देखो, ये लिखना जरूरी है बिकॉज ए इनवर्स से वैसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा कभी भी, जब जब चाहे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बट ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने के लिए उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, और उसको एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। इसलिए मैंने लिखा लेट डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब ए इनवर्स ए इनटू इज आई, आई इनटू बी इज बी, तो इधर से आया था बी, इधर से क्या आ गया, एनी मैट्रिक्स इनटू नल मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स ओनली। इससे क्या प्रूव हो गया, बी इज नल मैट्रिक्स, बट गिवन क्या है, ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। Hence, our assumption that is determinant of A not equal to zero is wrong. This implies determinant of A equals to zero. Similarly, you can go with B. B में क्या करेंगे आप? B inverse से इसमें post multiply करेंगे. क्या करेंगे? चलो देख लेते हैं. B inverse से तो A B तो पहले से लिखा है. इधर लिखेंगे B inverse is equal to null matrix into B inverse. फिर B into B inverse is I I into A is A. तो इधर से आ जाएगा A is null matrix. इधर assume क्या करेंगे? Let B inverse से multiply किया ना, तो determinant of B not equal to zero. Clear है? ठीक है, इधर क्या आ गया हमारा, a zero आ गया, but given क्या है, a is non zero, hence our assumption is wrong. Same, एकदम same. Clear है बच्चों? अच्छा, तो इसको पहले copy करो, ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, एक छोटा सा point, तो इससे overall conclusion क्या निकला? तो नहीं, एक note और लिखते हैं इसके आधार पे, एक तो ये लिख लिया, ठीक है? एक note देखना मैं क्या लिख रहा हूँ कि पहले मैं बोल देता हूँ, मैंने कहा अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, सुनना ध्यान से, फिर उसको तो मैथमेटिकली देखना कि यही चीज है कि नहीं। अगर दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लिकेशन एक नल मैट्रिक्स है, मतलब ए बी इज इक्वल टू जीरो, एंड अगर उन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स, हाँ उसमें से अगर कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ, क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ, तो दूसरे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या लिखा देखो, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड इफ अभी मैं लिख रहा हूं, पहले मैं मैथमेटिकल लिखूंगा, तुम लैंग्वेज उसमें लिख लेना लैंग्वेज फॉर्म में, एंड इफ इन दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो दूसरे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, देखो इधर, एंड इफ लेट से मैं जो नॉन सिंगुलर ले रहा हूं ए को ले रहा हूं, लेट एंड इफ ए इज नॉन सिंगुलर and if a मतलब capital A is non-singular, then b has to be a null matrix. ये ऐसे ही प्रूव हो जाएगा इसका, क्यों, अगर non-singular है, non-singular मतलब a inverse exist करेगा, determinant of a not zero होगा, hence I can pre-multiply with a inverse here. तो क्या रहेगा, a inverse into a, I into b is b, b is equal to null matrix. अगर मान लो b non-singular होगा तो हम क्या करेंगे, बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ए नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो दोनों मैट्रिक्स में से अगर कोई भी एक सिंगुलर दिया है, सॉरी नॉन सिंगुलर दिया है, तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करके हम ये प्रूव कर लेंगे कि जो नेक्स्ट दूसरा वाला मैट्रिक्स है उसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट अ नोट ऑफ इट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ठीक है, चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, देखा, इफ
ए बी सी आर थ्री मैट्राइसेस, मैट्राइसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड बी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का स्क्वायर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसने क्या दिया है, तीन मैट्रिसेस है हमारी ए बी सी और ये रिलेशन उसने दे रखा है, ये दोनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, देन वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो क्या करो, पॉज करके खुद से ट्राई करो, इससे पहले वाला फैक्ट भी यूज करना। ठीक है, चलो तो जस्ट नोट बताया, तो करते स्टार्ट। तो जैसे ए बी इज इक्वल टू जीरो दिया है, बट इसने अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर के बारे में इस इंफॉर्मेशन से तो कुछ पता नहीं चल रहा, बट जो मैंने नोट लिखवाया था उसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला टर्म भी यूज हो रहा था, वो चीज इधर से हम डिडक्ट करेंगे, इस इक्वेशन से वी विल डिडक्ट दैट इन्फॉर्मेशन। तो देखना कैसे कर रहा हूं मैं डिडक्ट, क्या किया हमने इसमें, डिटर्मिनेंट लिया दोनों साइड, तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ये तो वन होता है डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी। अब शायद बहुत क्लिक कर गया होगा, क्या कि दो चीज नंबर्स का प्रोडक्ट अगर एक नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब दोनों को नॉन जीरो होना पड़ेगा, इससे क्या पता चला, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी इज नॉन सिंगुलर, बी अगर नॉन सिंगुलर है तो अब हम क्या करें, इधर बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी जीरो इंटू बी इनवर्स, ये तो हो गया जीरो, इधर से क्या है, दिस इज आई, आई इंटू ए क्या आया हमारा, नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये ना प्रूफ करके ऐसे ही बोल सकता था प्रूफ दैट ए इज नल मैट्रिक्स, या फिर ऐसा दे देगा फिर एमसीक्यूज बनाना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये भी दे देगा ए को नल मैट्रिक्स दे देगा, ऑप्शन बी को नल मैट्रिक्स दे देगा, ओ सॉरी डिटरमिनेंट जीरो दे देगा, बट दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो एमसीक्यूज में काफी ऑप्शन बन सकते हैं। चलो अब आते हैं हम इसके एक्चुअल प्रूफ पे, क्या क्या करना है हमें, जो प्रूफ करना है उसमें हम इसका इस फैक्ट का यूज करेंगे कि ए नल मैट्रिक्स, तो रख देते हैं इसमें ए को नल मैट्रिक्स, ए को नल मैट्रिक्स रखो तो इधर क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ठीक है ना, अच्छा अब सुनना एक और क्रिटिकल स्टेप क्या है, ऑल द तुम्हारा आंसर आ जाएगा, बहुत से बच्चे इसको क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर, हियर टू हियर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, जैसा कि मैंने बताया था बी सी का स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है, इसको भी लिख लेना का नोट के फॉर्म में लिखना, बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कम्यूट टाइप जैसे ए बी और बी अगर बराबर होती तब हम इसको लिख सकते ना, इसको मैं इन दोनों बी और सी को इंटरचेंज नहीं कर सकता ना, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, इन बी और सी को इंटरचेंज नहीं कर सकता, इसलिए आई कैन नॉट राइट दिस इज बी सी का स्क्वायर, नहीं तो बहुत से लोग इधर बी सी का स्क्वायर लिख देंगे और बी सी को आई लिख देंगे, आई का स्क्वायर इज आई, तो प्रूफ हो जाएगा, बट दैट इज नॉट, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए वो ट्रू हो जाएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, कैसे वो देखना अभी, इन जनरल दीज टू आर नॉट इक्वल, इसको लिख लेना, क्या लिखोगे नोट करके साइड में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, इन जनरल दिस इज एक्चुअली इक्वल टू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी, मेक अ नोट ऑफ इट लाइक दिस। ठीक है, चलो अब मैं आता हूँ इसमें क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा बी बी सी सी, अब जो बी सी है बीच में उसको तो आई लिख सकता हूँ, इस बी सी को आई कैन राइट इट एज आई, तो जो हो गया बी आई सी, और b इंटू आई क्या होगा, b c, और b c अगेन क्या हो जाएगा, i, दिस इज अ करेक्ट वे। सो मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, हम इन जनरल b स्क्वायर c स्क्वायर को ये नहीं लिख सकते। ठीक है, चल तो पॉज करो वीडियो, कॉपी करो, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चल अब आते हैं इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, जो अभी हो रहा है ना हमारे, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन, यू कैन सी सच क्वेश्चंस वर आस्क्ड प्रीवियस इयर्स आल्सो। ठीक है, सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और इसी के ऊपर, इफ ए इंटू बी इज इक्वल टू आई, ए इंटू बी अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए बी विल कम्यूट, देन प्रूव दैट ए बी विल कम्यूट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी, देखना कैसे करें। अच्छा, ए बी विल कम्यूट के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, बेसिकली ए बी जो है बी ए के बराबर आ जाए, तो ए बी तो दिया है, अब किसी तरीके से मैं प्रूफ कर लूँ क्या कि बी ए इज ऑल्सो आई,
तो प्रूफ हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, हेंस ए बी विल कम यू। तो अब देखना क्या किया, अब बिफोर मल्टीप्लाइंग इट विद बी इनवर्स और ए इनवर्स, फर्स्ट यू शुड वेरीफाई कि डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है उन दोनों का। तो दिख रहा है क्लियरली, अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया दोनों साइड तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब ए और बी का डिटर्मिनेंट दोनों का जीरो नहीं है, मतलब ए और बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो किया हमने, क्या किया, लेट्स से ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, तो ए इनवर्स प्री मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। अभी हो गया ए इनवर्स ए इंटू आई, आई इंटू बी इज बी, तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या किया हमने, अब मैंने ए से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, देख रहा मुझे बी ए चाहिए ना, ए बी से तो हम चले ही थे, बी के बाद ए चाहिए, तो ए से पोस्ट मल्टीप्लाई। तो क्या किया, बी इंटू ए इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और ए इनवर्स इंटू ए कितना होता आई, तो हो गया प्रूफ बी ए भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। आगे आगे जाके पढ़ेंगे हम, ए बी अगर आई के बराबर होता है तो बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। फिर इसका थोड़ा सा हिंट मैंने पहले भी दिया था, बट डिटेल में हम इसको एडजॉइंट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सोचो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, चलो तो हो गया हमारा ये प्रूफ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव, तो तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू वन माइनस वन टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू ए वन बी माइनस वन, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए कॉमा बी, और कंडीशन दिए ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो देखना इसको, a प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी नोट करके भी लिखवाया था, a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी नहीं होता। हियर वी हैव टू राइट इट प्रॉपरली, क्या लिखेंगे हम इसको, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, फिर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गए, फाइनली क्या है, ए बी प्लस बी ए जीरो। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं, तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स जीरो। अब रख दिया इधर ए की ए और बी की वैल्यू, तो वन माइनस वन टू माइनस वन, ए इंटू बी, ए वन बी माइनस वन प्लस बी ए, ए वन बी माइनस वन बी इंटू ए, वन माइनस वन टू माइनस वन, दिस इज गिवन एज नल मैट्रिक्स। मतलब क्या आने वाला है हमारा, जीरो 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 जीरो। अब हम अब क्या करें, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं इसको, थोड़ा और कंप्लीट करते हैं। तो इधर क्या आएगा, ए वन इंटू ए माइनस वन इंटू बी, तो ए माइनस बी, फिर वन इंटू वन माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू, टू ए माइनस बी टू प्लस वन थ्री प्लस ए प्लस टू माइनस ए माइनस वन बी माइनस टू माइनस बी प्लस वन, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अच्छा चलो अब देखते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो देखना रिजल्ट क्या बन रहा हमारा, a प्लस ए टू ए माइनस बी प्लस टू, तो टू ए माइनस बी प्लस टू, फिर टू माइनस ए माइनस वन, टू टू माइनस वन वन, वन माइनस ए तो वन माइनस ए, टू ए माइनस बी प्लस बी खत्म हो गया, टू ए माइनस टू, इधर से आएगा थ्री प्लस वन फोर माइनस बी, दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्या करें, दोनों साइड बराबर कर देते हैं, तो हमारे पास चार इक्वेशन रहेंगे, हम दो से निकालते हैं। तो लेट्स से मैं ये आसान दिख रहा है मुझे,
ये जीरो के बराबर, तो ए इज इक्वल टू वन आया, सिमिलर ये जीरो के बराबर बी इज इक्वल टू फोर आया, बट मैं आंसर ये वो भी अभी नहीं बोलूंगा, ये वैल्यूज इसमें रख के देखेंगे वो भी जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। तो रख के देखा, ए की जगह बनना करो टू प्लस टू फोर माइनस बी, मतलब फोर माइनस फोर जीरो, तो ये भी जीरो आ रहा है इन ए और बी के लिए, इसको देखते हैं। तो टू इंटू वन टू माइनस टू जीरो, तो ये भी जीरो आ रहा है, हेंस द आंसर इज दिस। भाई मैंने डायरेक्टली इन दोनों को जीरो को इक्वेट करके आंसर ये नहीं बोला, वी शुड वेरीफाई कि ये दोनों एलिमेंट भी जीरो आ रहा है या नहीं, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर मान लो एक मिनट के लिए, अगर मान लो ये थ्री ए होता तो हम क्या बोलते, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दैट कंडीशन इज ट्रू, क्लियर है। बट इधर टू है तो ठीक है, आ रहा है, दोनों को वेरीफाई कर लिया, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो इसको पॉज करो और कॉपी करो। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। तो राइट डाउन सम होमवर्क क्वेश्चंस नाउ। जैसा कि मैंने बोला था तुम लोगों को, एक कम्यूट के ऊपर दूंगा, एक तो तुम्हारा वाला क्वेश्चन पेंडिंग है, उन चार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लस एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ उसी से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड मतलब मैट्रिक्स से अलग है, क्वेश्चन एकदम सेम है। फाइंड ऑल द मैट्रिसेस व्हिच कैन कम्यूट विद, व्हिच कैन कम्यूट विद 1 0 1 1। This is your first question, homework question. Second, see. A is equal to 0, 10 of alpha by 2 minus 10 alpha by 2, 0. Then prove that I plus A is equal to I plus A is equal to I minus A into, this is I minus A is one matrix, cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, ठीक है। And एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, if A and B are n q a r square matrices, matrices, then prove that A and B will commute if A minus K is any scalar, is scalar, A minus KI and B minus KI commute for every scalar K, will commute for every scalar K. तो ये तीन तुम्हारे क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ठीक है ना, टाइम देके अच्छे से करना, हालांकि सिंपल है, और जो भी आज भी न्यूमेरिकल क्लास लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।